वेलकम आप सभी का बहुत बहुत मेरे चैनल पीआर एडवाइजर्स पे। तो आज का टॉपिक है यूएस का टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से टॉप 10 क्वेश्चंस चूज़ कर लिए हैं जो मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली वही रिपीट होकर घूम घाम के आते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो होगा व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर ट्रैवल। तो ये क्वेश्चन मैं आंसर देने से पहले ये आपको बताना चाहता हूँ, यूएस का टूरिस्ट वीज़ा दो टाइप का होता है, एक होता है B1 एक B2। B1 जनरली होता है बिजनेस वीज़ा और B2 होता है टूरिज्म वीज़ा। B1 में जैसे पर्पज़ रहेगा आपका, वो आपका कॉन्फ्रेंस हो सकती है, वहाँ पे कोई इवेंट हो सकता है, सेमिनार हो सकता है। अगर B2 टूरिस्ट की बात करूँ तो मोस्टली उसमें टूरिज़म साइट सीइंग वो आता है। तो अगर आपका टूरिस्ट है, साइट सीइंग है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ। बट उसके लिए आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, कहाँ जा रहे हो, किस स्टेट में जा रहे हो, वहाँ पे कौन सी चीज़ आप साइट सीन करोगे जो आपको पता है, जो आप फेमस है वहाँ पे। जैसे आप लॉस एंजलिस जा रहे हो तो वहाँ की स्पेशलिटी पता होनी चाहिए, न्यूयॉर्क में जा रहे हो तो वहाँ की स्पेशलिटी पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। अगर टूरिज़्म के लिए है तो क्या क्या बोलना है, पूरा प्रिपेयर होकर जाइए। तो नंबर टू पे कौन सा क्वेश्चन आता है, वाई यू वॉन्ट टू कम टू US ओनली। तो ये है कि आप US में ही क्यों ट्रैवल करना चाहते हो। तो उसका मैं एक बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आप प्रीवियस ट्रैवल्स किया हुआ है किसी भी टूरिस्ट कंट्री में, लाइक आप दुबई गए हो, सिंगापुर गए हो, थाईलैंड गए हो, मलेशिया, कहीं पे भी आपका टूरिस्ट हिस्ट्री है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास टूरिस्ट हिस्ट्री है तो उनको लगेगा कि ये बंदा टूरिज्म करना चाहता है, तो आप ये बता सकते हो कि मैं बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ, आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर मैनी ईयर्स नाउ, तो मैंने ये कंट्री ट्रैवल की है, अब मेरा मन है कि मैं US में ट्रैवल करूँ, बिकॉज US बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर बहुत कुछ देखने को है। तो नंबर 3 क्वेश्चन विल बी इफ यू हैव एनी रिलेटिव और फ्रेंड करंटली इन द US। तो अगर तो यस है तो आपको पूरी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, तो वो जहाँ यो आपका फ्रेंड है वो क्या करता है, वो कौन से वीज़े पे है, कब से रह रहा है, अपना घर है, कौन सी कंपनी है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर। अगर नहीं तो सिंपली आप बोल सकते हो जी नहीं, मेरा वहाँ पे कोई फैमिली और फ्रेंड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हैव यू एवर बिन टू US। आपने अपने क्वेश्चन अपने जो आपका फॉर्म होगा उसमें फिल कर रखा होगा, फिर भी वो पूछ सकते हैं हैव यू एवर बिन टू US। तो आपका अगर नहीं है तो सिंपली नहीं, तो मैं कभी भी US नहीं गया। नंबर 5 क्वेश्चन वेयर यू विल स्टे। तो आप कहाँ रुकोगे US में, ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछते हैं, तो इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप अगर आप कोई फ्रेंड फैमिली के पास नहीं जा रहे हैं, मैं उस केस की बात करूँगा, तो अगर आपको एक होटल बुकिंग करवानी पड़ेगी और होटल बुकिंग आपने साथ लेके जानी पड़ेगी, जैसे ही वो क्वेश्चन पूछते हैं यू कैन शो योर होटल बुकिंग्स कि जी हाँ मैं इस स्टेट में, इस होटल में, इस सिटी में रुकूंगा। जो 6th क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ट्रैवलिंग एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो वो पूछेंगे कि अभी आप इंटरव्यू देने के लिए मान लो दिसंबर में गए, तो अभी ही पर्टिकुलर ये टाइम ही क्यों चूज़ किया आपने घूमने के लिए। तो अगर तो आप अपनी प्लान कर सकते हो, आप दिसंबर में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप बोल सकते हो क्रिसमस मनाने जा रहे हो इसलिए इस टाइम पर ट्रैवल किया प्लान किया है। अगर आप जून जुलाई में कह रहे हो तो आप बोल रहे हो इस टाइम पर मेरे को समर वेकेशन है इसलिए मैंने प्लान किया है, तो प्लान अकॉर्डिंगली। तो उसके बाद जो 7th क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है आप कितना आपका खर्चा आएगा, हाउ मच इट विल कॉस्ट यू। तो आपकी स्टे के लिए कितना कॉस्ट आ सकता है, तो आपको उसके लिए पूरा का पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा, आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से कि आप होटल में स्टे करोगे इतने पैसे लगोगे, फ्लाइट्स के इतने पैसे लगेंगे, इतने दिन रुकोगे उसका इतना एक्सपेंडिचर आएगा। तो पूरा आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक जैसे ही आपको क्वेश्चन पूछते हो आप कह सकते हो अराउंड $8,000, तो वो उस हिसाब से उनको पता चल जाएगा कि यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है हाउ लॉन्ग यू विल बी स्टेइंग देयर। तो ये क्वेश्चन आप इसके आंसर्स के लिए आप ट्रैवल बुकिंग दिखा सकते हो कि आपने अपना ट्रैवल 15 दिन के लिए किया हुआ है, आपने प्लान कर रखा है 15 डेज के लिए, तो 15 डेज की बुकिंग दिखा सकते हो, रिटर्न टिकट दिखा सकते हो, तो बोल सकते हो कि आई हैव प्लान्ड, मेरे पास ये टिकट है वापसी की, तो मैं 15 दिन के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा का पूरा प्लान है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप अकेले जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो वो पूछेंगे व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। तो आप क्या काम करते हो और कितनी आपकी अर्निंग है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको अपने पूरे प्रोफेशन के बारे में बताना पड़ेगा, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, तो आपको अगर आपको किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसका बताना पड़ेगा, कितने टाइम से काम कर रहे हो बता सकते हो, क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बता सकते हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी एनुअल सैलरी क्या है, अर्निंग्स के बारे में बताना है तो आप अपना प्रूफ ऑफ फंड पूरा एक सैलरी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो और बैंक से भी एक सर्टिफिकेट बना के लेके जा सकते हो कि आपके पास कितनी सेविंग्स है, अर्निंग्स है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आप अपनी ओर से वो अपना जो डॉक्यूमेंट आगे कर सकते हो, वो लेना ना लेना उनके ऊपर है। तो आप अर्निंग अपनी बता सकते हो खुल के कि मेरी 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 7 लाख पूरी अर्निंग है, सेविंग्स में मेरा इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो ये हो सकता है 9th क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, डू यू हैव क्रेडिट कार्ड और मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ट्रैवल टूरिज्म वीज़े के लिए, बिकॉज अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये दिस विल बी वेरी बिग डिसएडवांटेज। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो जाने से पहले अपना क्रेडिट कार्ड जरूर अप्लाई कर लें, अगर नहीं है तो एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए। वहाँ पे जो मैक्सिमम आपकी जो आप पैसा यूज़ करोगे वो क्रेडिट कार्ड से ही करोगे। तो उसके बाद आपके पास मेडिकल एक इंश्योरेंस भी होनी चाहिए ट्रैवल, जो आप जब टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाते हो तो एक इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो वो भी आप एज ए प्री रिक्वेस्ट लेके चल सकते हो कि इंटरव्यू के टाइम पे आप बता सकते हो कि मैंने मेडिकल इंश्योरेंस इस कंपनी से अगर नहीं परचेज़ की है तो बता सकते हो, इस कंपनी से मैंने परचेज़ करने का सोच रखा है, ये कंपनी है और इतने की मेडिकल इंश्योरेंस है और इतना कवरेज देगी। आपको आपके पास फुल प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये था ऑल अबाउट 10 क्वेश्चन टूरिस्ट वीज़े के, जो मैंने पर्सनल मेरे पर्सनल व्यूज़ के साथ है कि ये मोस्टली यही रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। Do subscribe my channel, and if you have any query, you can comment down below. I'll try to answer it. Thank you.